हेलो फ्रेंड्स, हर्बल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का विषय है आम। आम को दुनिया में सबसे अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही स्वादिष्ट फल है। आम एक ऐसा फल है जिसे यदि तरीके से खाया जाए तो 2-2.5 महीनों में ही शरीर में भरपूर रक्त पैदा हो सकता है, जो कि हमारे पूरे जीवन में काम आता है। आम में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड और फाइबर होने के कारण यह स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में है। आम की गुठलियों के तेल को बालों में लगाने से सफ़ेद बाल काले होते हैं, साथ ही बालों का झड़ना, रूसी होना समाप्त होता है। सूखी खांसी होने पर पके हुए आम को आग में भूनने के बाद ठंडा होने पर चूसने से सूखी खांसी मिटती है। लीवर की कमजोरी होने पर आम के पत्तों का क्वाथ बनाकर पीने से लीवर की समस्या दूर होती है। आम के पत्तों का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन पीने से मधुमेह नियंत्रण में आता है। इसके फूलों के रस में मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्त विकार दूर होते हैं। आम के गोंद को फटी एड़ियों में लगाने से लाभ मिलता है। आम के पीले पत्तों को उबाल कर पीने से शरीर के सभी अवयवों को शक्ति मिलती है। इसके फूलों के चूर्ण को दूध के साथ लेने से काम शक्ति की वृद्धि होती है। आग से झुलसना, खरोंच लगना आदि के लिए इसके पत्तों की भस्म अति उत्तम दवा है। आम की गुठली की गिरी का चूर्ण तथा इसके छाल का रस पीने से खूनी बवासीर मिटती है। इसकी गुठली के चूर्ण को दही में मिलाकर खाने से सूक्ष्म कीड़ों का नाश होता है। यदि प्रतिदिन सुबह सवेरे मीठे आम का सेवन किया जाए और ऊपर से सौंठ और छुआरे डालकर पकाए हुए दूध को पीने से शरीर बलवान होता है। त्वचा रोगों में भी आम का गोंद बहुत गुणकारी है। इसे पुराने दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी, मुहासे, खाज, खुजली, छालों आदि में लगाने से फायदा होता है। आम की गुठली को पीस कर लगाने से मधुमक्खी, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि के काटने पर होने वाली पीड़ा, जलन, विष आदि शांत होते हैं। यदि आम अधिक मात्रा में खा लिए हों तो ऊपर से थोड़े जामुन या चुटकी भर नमक और सौंठ खानी चाहिए। इसको खाने के बाद दूध का सेवन करना चाहिए, पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आम में मिलने वाले तत्व शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन ए होने के कारण आँखों की रोशनी बढ़ती है और रतौंधी जैसी बीमारी दूर होती है। भरपूर मात्रा में आयरन होने के कारण इसे प्रेग्नेंट महिला को अवश्य ही खाना चाहिए। आम का सेवन वजन बढ़ाने में भी सहायक होता है। कच्चे आम का रस पानी में मिलाकर पीने से यह लू और गर्मी से बचाकर ठंडक प्रदान करता है। भरपूर मात्रा में विटामिन्स होने के कारण इसके सेवन से सेहत अच्छी रहती है। विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होने से यह हमारे ब्रेन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसमें विटामिन सी और फाइबर की उचित मात्रा LDL की मात्रा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में सहायक है। आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सभी प्रकार के कैंसर से हमें बचाता है। इसके अलावा यह हिचकी रोग, संग्रहणी, अतिसार, योनि रोग, जलोदर, सुजाक आदि रोग में आम, आम का फूल, पत्ते, बीज सभी का औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।